हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप तो जानते ही हो कि मैं एक गेमिंग यूट्यूबर था, बट मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं जिसके वजह से मैंने अब गेमिंग छोड़ दी है। तो अब मैं डेली व्लॉगिंग पे ध्यान दूंगा और पढ़ाई पे भी ध्यान दूंगा। ऐसा मेरे बोलोगे, अच्छा बच्चा नहीं हूँ मैं। और मैं आपको अपने दिखाऊंगा मैं दिन भर में क्या करता हूँ। आज तो फिलहाल मैं आपको अपना किट दिखाने वाला हूँ, अपने पोकेमोन कार्ड्स दिखाने का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। जल्द ही मैं अनबॉक्सिंग लाऊंगा पोकेमोन कार्ड्स के। अब तो मई के टाइम में मैं लेके आऊंगा। मई में मैं गांव जाने वाला हूँ, तो मैं वो सब भी दिखाऊंगा आपको। और शाम को मैं क्या क्या करता हूँ वो भी दिखाऊंगा मैं। आज तो फिलहाल शाम को मैगी खाने का प्लान है। अब पता नहीं मम्मी मिला देंगे कि नहीं। तो चलो पहले मैं आपको अपने पोकेमोन कार्ड्स दिखा देता हूँ। तो गाइस, मेरा ये पोकेमोन कार्ड्स का बाइंडर है। मेरा सबसे पहला कार्ड है जेब्डॉस वी। ये बाप रे, कार्ड्स गिर गए मेरे। ये जाने तो इसको रख देते हैं हम लोग, वरना दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा कार्ड उल्टा है, आर्कियस वी। आर्कियस वी के बाद आता है हमारा अल्ट्रा बॉल का गोल्डन कार्ड, ट्रेनल गैलरी का। फिर आता है मॉल्ट्रियस वी, ये भी गोल्ड है। इसके बाद एक और गोल्डन कार्ड नहीं आएगा, ये है उल्शिफु वी। इसके बाद आता है कैलडियो वी, उम्ब्रियन वी मैक्स है ये। फिर खुल जा। फिर आते हैं हॉनक्रो वी। फिर आता है या पता नहीं, इसका नाम नहीं समझ आ रहा मेरे को। फिर आता है लिम्नियन वी, एग्रॉन वी, आयाशी वी। और फिर आता है अर्जेंट पार्किया भी। फिर आता है ड्रम्पा भी। और इसके आगे मेरे ये पूरे कार्ड्स हैं। आधे से ज़्यादा तो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ट्रेड किया है। तो अब मैं आपको चलो दिखाता हूँ अपना अपना मैं क्रिकेट किट दिखाता हूँ। तब तक के लिए बाय। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं मेरे एसडी के पैड्स। पीछे से बहुत कंफर्टेबल है, ये गद्दा है पूरा। और आगे से ये बहुत कड़क है, और इसको मोड़ोगे भी तो आप कुछ नहीं होगा, वैसे लोग मोड़ते रहते हैं ना। तो आता है दूसरा मेरा क्रिकेट का ग्लोव्स। ये मेरे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, ये जो मेरा अंदर से ये है बहुत सॉफ्ट है ये। फिर आता है मेरा एल्बो कार्ड, इसका वैसे कुछ काम नहीं है, ये मैं कभी पहनता नहीं हूँ, ना मैच में पहनता हूँ ना कहीं पहनता हूँ। फिर आता है मेरा थाइबो गार्ड, क्या बोलते इसको, हाँ थाईगार्ड। और ये पता है आपको क्या है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये है हेलमेट। ये हेलमेट हम लोग ऐसे पहनेंगे, चश्मे पे नहीं, चश्मा फूट जाएगा। और यही है मेरा पूरा क्रिकेट किट। ये मेरे को एक ही किट में पड़ा था, ये मेरे को 4,500 का पड़ा था। वैसे ये लेके आपको क्या मिलेगा मेरे को नहीं पता। चलो मैं अब आपको अपनी डेली लाइफ के बारे में बताता हूँ। तो गाइज, ये मेरी मम्मी है और इनको बिल्कुल नहीं पता है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मम्मी इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अरे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आपका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। मम्मी सबको आपका नाम बता दो। मनीषा मिश्रा। मम्मी आप हाउस वाइफ हो ना? ठीक है गाइज, मम्मी तो मेरी गजब बेइज्जती करती रहती है। तो ये देखो, मैं अब आपको अपने घर घर से व्यू दिखाता हूँ कितना मस्त है। गाइस, मैं अब आपको शाम का अपना सब चीज़ दिखाऊंगा, मेरा शाम का रूटीन क्या है, मैं क्या क्या करता हूँ। और गाइस, कल हो सकेगा तो मैं एक चैलेंज लाऊंगा अपने फैमिली के साथ। तो तब तक के लिए गाइस, मैं आपको शाम को मिलता हूँ, बाय। तो गाइस, मैंने अब खाना खा लिया है और मैं खाना खा के नहा, अब मैं थोड़ा मेरा क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, तो हम हवा में ही बैट चलाते आओ। ये रहा बैट, देखो गाइस आपको अच्छे से धूप मिल रही नहीं। रुको इधर से देखो, आपको मस्त व्यू मिलेगा मैं कैसे खेलता हूँ। आपको देखो सब क्या आ रहा है बीच में। देखो मैं गाना गाते रहता हूँ खेलने के साथ साथ। नकली का अटैक,
गाइस मस्त 1 घंटा क्रिकेट खेला और मजा बहुत आया। तो गाइस अब मैं आपको कुछ हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो मेरे साथ हुई थी। तो गाइस आर यू रेडी? तो गाइस मैं आपको ये स्टोरी, कम से कम मेरी 10 दिन पुरानी स्टोरी है, रिसेंटली ही हुई थी मेरे साथ। मैं रास्ते से जब जा रहा था, मतलब सुनसान रास्ता था पूरा, मैं अकेले जा रहा, सुनसान रास्ता था। मैं, पापा, मम्मी, भैया, हम 4 लोग जा रहे थे। रास्ते में हम लोग जाते जाते ना, हम लोगों ने देखा कि एक अजीब सी औरत पेड़ पे बैठी है। हमको लगा कोई और कोई बच्ची है, वो आम तोड़ रही होगी, क्योंकि वो आम का पेड़ था और आम भी हो गया हुआ था वहाँ 4 वर्ष हो गए। तो हमको लगा वो है। मैं जिद करने लगा, पापा को बोला कि मैं, पापा मेरे को आम खाने, उस बच्ची को बोलो कि मेरे को आम तोड़ के हमको भी थोड़ा दे दे। पापा ने की बोला उसको, हम लोगों ने बोला कि थोड़े आम दो, उसने आम हमको दिया, हम लेके अब उसको घर आ गए। घर आके हमने उसको आधा काटा, हमने देखा वो एप्पल सड़ा हुआ था और उसके ऊपर पूरा मतलब लाल खून लगा हुआ था। मेरी जो उस टाइम डर लगा ना मेरे को, मैं 4 दिन तक सो नहीं पाया था रात को। 4 दिन तक, 24 hours 1 दिन में होते हैं, मतलब 1.5 घंटा हम लोग एक रात सोते थे। 32 hours तक मैं सोया नहीं था गाइस। बोलो अब क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक और स्टोरी है गाइस, बट आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं। मैं नीचे खेल रहा था, खेलते खेलते मैं अपने दोस्त के साथ बैठा, मेरा दोस्त बाजू में, मैं ऐसे, अचानक से देखा एक हाथ निकल के मेरे कंधे पे से हाथ रखा था। तुरंत मैं उधर देखने लगा, भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मेरा दोस्त बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं उधर से चीखते हुए जल्दी से घर पे आया। घर पे आके मैं बोला, भाई मैं आज के बाद मैं उस सीट पे बैठा नहीं हूँ अभी तक। गाइस ये थी मेरी कुछ स्टोरीज। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नए अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग आपको कल रात को मिल जाएगा, तो तब तक के लिए बाय गाइस।